थिंग्स एट्सेट्रा, है ना। इस वक्त सभी लोग क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, यानी जहाँ पे ओवर क्राउडेडनेस नहीं हो रही है कहीं पे, ओवर क्राउडेड सिचुएशंस नहीं अराइज हो रहे हैं कहीं पे, गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग स्टॉप है टोटली, यानी लोग जमा नहीं होते हैं। इसी तरीके से ओवर क्राउडेड यानी मतलब कि लोग इकट्ठे कहीं पे नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं है, वो अपने अपने घरों में बैठे हैं। किस लिए? इट्स अ प्रिवेंटिव मेजर। अपने खुदा न खास्ता ये डिजीज़ होने से हम खुद को बचाते हैं, है ना। इसी तरीके से हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, वेयरिंग क्लीन मास्क, हम मास्क लगा रहे हैं, है ना। हम मास्क लगा रहे हैं किस लिए? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये एयरबॉर्न डिजीज़ है। तो डैट्स वाई हम क्या लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, किस लिए? ताकि हम प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। एंड द थर्ड व्हाट वी आर डूइंग दैट इज़ द सोशल डिस्टेंस मेंटेनिंग। सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, कोई बाहर नहीं निकलता है वैसे जैसे निकलते थे, लोगों के साथ ऐसे नहीं मिलते हैं जैसे मिलते थे, मतलब गैदरिंग्स में नहीं जाते हैं, पार्टीज फंक्शंस ये सब तो बंद हो गया है। किस लिए? ऑल दीज आर टू प्रिवेंट द कोरोना वायरस टू ऑकर, यानी हम प्रिवेंशन, एक प्रिवेंटिव मेजर्स दे रहे हैं ताकि खुद को भी सोसाइटी को भी हम किससे बचा सकें, कोरोना वायरस के इफेक्ट से बचा सकें। सो फॉर द एयरबॉर्न डिजीज व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हमें ओवर क्राउडेड सिचुएशंस को अवॉइड करना है टोटली, एंड मतलब गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग ये सब स्टॉप होना चाहिए। ऐसे ही मतलब क्लियर मास्क पहननी है हमें। इसी तरीके से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, लोगों से ज़्यादा राबिता नहीं रखना है, लोगों से ज़्यादा मतलब मेल जोल नहीं रखना है, ठीक है। ये सारे हम किस लिए करते हैं? ताकि प्रिवेंशन हो जाए फ्रॉम सर्टन टाइप ऑफ डिजीज टू ऑकर। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं किसी भी वाटर बॉर्न डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए? जैसे आपको पता है मतलब जो मीडियम है जो स्प्रेड करता है वाटर बॉर्न डिजीज, दैट इज़ वाटर। तो हमें बेसिकली इसी वाटर को साफ सुथरा पीने के लायक रखना है ना। तो ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स है, वेज ऑफ प्रिवेंशन है, जिसके ज़रिए हम वाटर बॉर्न डिजीज को अराइज होने से बचा सकते हैं? दैट आर, फर्स्ट अगर हम देखें, प्रोटेक्ट वाटर फ्रॉम पोल्यूशन। सबसे पहले हमें वाटर पोल्यूशन कम कर देना है, हमें पानी को ख़राब नहीं करना है, हमें पानी को पोल्यूट नहीं करना है, वी हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द पोल्यूशन, ठीक है। सेकंड, फिल्टर द वाटर टू रिमूव डर्ट। हमें पानी को फिल्टर करना है, फिल्टर इसलिए ताकि उसमें जो धूल है, मिट्टी है, वट एवर डर्ट इज़ देयर दैट गेट्स फिल्टर्ड, वो रिमूव हो जाए और हम साफ पानी पी सकें। थर्ड, एंश्योर दैट स्टोर्ड वाटर इज़ जर्म फ्री। हम देखो आमतौर हम पानी स्टोर करते हैं, इन सर्टेन यूटेंसिल्स वी स्टोर द वाटर। हम क्या करते हैं, कुछ बर्तनों में पानी रख देते हैं और बिना ढक्कन के उसको रख देते हैं, गर्म करके भी हम बिना ढक्कन के रख देते हैं, बट दैट इज सेम टू दैट ऑफ द डर्ट वाटर, बिकॉज उसमें क्या जाते हैं, वो जर्म फ्री नहीं होता है, उसमें जर्म्स जाते हैं। तो इंश्योर करो कि जो हम जमा पानी रखते हैं घरों के बाहर टंकीज में या घर में, वो क्या हो, वो मतलब उस पर ढक्कन बराबर से हो, ताकि उस पर जर्म्स अटैक ना कर सकें। और एक और तरीका, बॉयल द वाटर। हमेशा बॉयल्ड वाटर पीना चाहिए, क्योंकि वो जर्म फ्री होता है, उसमें जर्म्स जो होते हैं दैट गेट्स किल्ड, ठीक है, जर्म्स किल हो जाते हैं और पानी पीने के लायक हो जाता है। तो हमें ऐसे मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स करने, जैसे वाटर पोल्यूशन रोकना है, फिल्टर वाटर पीना है, मतलब स्टोर्ड वाटर को साफ़ सुथरा रखना है, जर्म फ्री रखना है, और बॉयल करना है पानी को ताकि किल हो जाए उसमें जर्म्स। ऐसे ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं ताकि हम प्रोवाइड कर सके सेफ ड्रिंकिंग वाटर एबिलिटीज़, ताकि हमारे पास साफ़ सुथरा पानी हो पीने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, ओके। अब देखो बेटा, अब जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, यहाँ पे मेन मीडियम कौन सा है जिसके ज़रिए डिजीज़ होती है, दैट इज़ अ वेक्टर, दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट, है ना। तो हमें क्या करना है, मतलब वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को स्प्रेड होने से, ऑकर होने से हमें कैसे बचा सकते हैं खुद को? फॉर एग्ज़ाम्पल,
लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मलेरिया. मलेरिया एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है ना, ऑलरेडी टोल्ड यू. तो अगर मलेरिया कहीं पे आकर हो गया तो खुद को कैसे बचाएं हम मलेरिया से. लिसन, हमें उसके लिए क्या करना है, हमें क्या करना है, वी हैव टू कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन. सबसे पहले कीप योर एनवायरमेंट क्लीन, अपने जो आसपास आपकी सराउंडिंग है उसको क्लीन रखो, ताकि जो इंसेक्ट्स है जैसे मलेरिया में जो मच्छर है, मॉस्किटोज है, उनको मौका ना मिले अपने आप को ब्रीड करने का. मींस कि उनको मतलब मौका ना मिले कि अपने आप को रिप्रोड्यूस करने का, एग्स ले करने का. क्योंकि जैसे आप आमतौर आपने देखा होगा टीवी पे भी कि मलेरिया में बोलते हैं कि अगर कहीं पे पानी जमा हो रहा है उसको ढक्कन से बंद रखो, ताकि उसमें मलेरिया के जो मॉस्किटो